भानु लोग 5 बजे सुबह के पहुंच गए थे, मैं तो दीपिका वहां थी और मैं कॉल भी नहीं उठा पाई मेरे को नहीं। ये है लड्डू महाराज हमारे। आ गए कितने दिनों बाद, आपको ये मेरे ब्लॉग में दिख रही होगी, आपने इसका चेहरा मिस किया। देखो सुबह सुबह क्रीम रोल खा रहे हैं हम दोनों। ये है सेल, ये है 69 की सेल, इसमें गाइस 19 रुपए के सॉक्स। कितने के हैं? 2 रुपए। अपने बच्चों पे अपनी ख्वाहिश पूरी करना। आ गए हैं हम विशाल से, गाइस इसने मुंह नहीं धो रखा है तो मैं आज इसी को दिखा रही हूँ। इतने सुंदर नाखून और अब ये जल गए जैसी मैं अंदर। दिप्पी ने मेरी शक्ल बना रखी है, देखा इस क्या मैं ऐसे दिखती हूँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर। उनके घर अंदर से भी पूरी दीवार टूट गई है। मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बड़े होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं दिव्या जला स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्या ब्लॉग पे। और अभी बज गए हैं मॉर्निंग के 7 बज गए हैं, 7 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। भानु लोग 5 बजे सुबह के पहुँच गए थे, मैं तो दीपिका वहाँ थी और मैं कॉल भी नहीं उठा पाई, मेरे को नींद लगी थी। तो फिर अभी मैं 6 बजने वाले थे तब आ गई थी रूम पे। मानो सो रखा है अभी भी, मामी लोग फिर से घर को जा रहे हैं तो भानो बस स्टेशन तक छोड़ने जा रही है। तब तो इसको दिखाती हूँ आपको। यह है लड्डू महाराज हमारे, सुबह सुबह सोए रह रहा है ये। ओए उठ जाएगा तो फिर पूरे रास्ते परेशान करेगा ना, कते ही नींद आ रखी है उसको। जोर से खराटे ले रही है। मानो की विदाई चल रही है, ये देखो मानो को कैसा पैक करके ले जाना है। मानो मानो दुल्हन सो रही है, बिल्कुल नींद के डिस्टर्ब नहीं हो रहा इसका। भानु की मामी को पहुंचा के आके हमने खाना वाना खा लिया है और अभी हम हो रहे हैं तैयार कोचिंग के लिए। कोचिंग को निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो भानु आ गई, कितने दिनों बाद आपको ये मेरे ब्लॉग में दिख रही होगी, आपने इसका चेहरा मिस किया। तो नहीं धो लिया। निकल चुके हैं हम रूम से, आज मैंने मास्क पहन लिया है, आप लोग मेरे को नहीं पहचानोगे, काली हो रही हूँ ना मैं। और ये भानु भी, भानु तो आज लग गया असली पांडा, मुँह पे भी अच्छी लगा दी है तूने। तो अभी बहुत ठंड हो रही है, देखो सुबह सुबह क्रीम रोल खा रहे हैं हम दोनों। भानु ने दिलाया मेरे को ये, हम दिखा तेरा भी दिखा, चेयर्स करते हैं चेयर्स। तो गाइस हम आ गए हैं कोचिंग से और अभी निकल रहे हैं हम विशाल के लिए। तो एटीएम से हमने पैसे भी निकाल दिए हैं इस महीने का खर्चा। तो गाइस भानु अपने घर के लिए थोड़ा सामान ले रही है क्योंकि उसकी दोस्त जा रही है, तो घर वहाँ से सामान मिल जाएगी किसी को भी। और नहीं लग रही है, हम निकलते हैं विशाल और आपको दिखाते हैं विशाल में कोई सेल लगी है, अपडेट देते हैं आपको, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये पहुंच गए हैं हम अपनी मंजिल पे। सबसे पहले हमें दिखा 69 की सेल जो वहां पे है, दिखाती हूँ आपको। मैंने पहले दे दिए पैसे, गाइस ये लगी है सेल, ये है 69 की सेल, इसमें क्या लगे हुए हैं। सबसे पहले भानु रूम पे पहनने के लिए निक्कर सही है रे, तो गर्मियों में थोना लगती है ये सेल। गाइस देखो हो शिट, गाइस आज हम दोनों का राज है, यहाँ देखो हम कैसे घूम रहे हैं, कोई नहीं आ रखा है यहाँ। वाह भानु कुछ दिला देना यार, ये मेरे पास ही मैंने काट के कैसे बना दी हो, देख नहीं रही है हालत ऐसी तो थी। हाँ चल मान जा, चल चल ठीक हो गया, अब तूने मेरे को आइडिया दे दिया है। नहीं मेरे बर्थडे पे मेरे को कोई कुछ भी देगा तो मेरे को ब्यूटी प्रोडक्ट्स देना। अपने बच्चों पे अपनी ख्वाहिश पूरी करना। बचपन में तो मार्केट जाने में फ्रॉक जो पहनते थे वही। एटी नाइन
हाँ कुछ इससे छोटे होंगे तो वो भी बता दें। गाइस 19 रुपए के सॉक्स कितने के हैं? 2 रुपए 69। देखो टैडी बनाना था ना, क्या करेगी इसको, रख लो चुपचाप। ये हैं यार इतने मस्त मस्त सॉक्स हैं यार, वहाँ से खाली लाई मैं। अब मत सोच तो ज़्यादा मत नहीं सोचा, मेरे पैसे नहीं है। नहीं ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके उसके झूले पे है साइन, इसमें राई होती है। राई होती है हमारे घर पे, ये है सेम सेम झूले पे होते हैं। मैं बोलती सब ले जाती, कुछ नहीं उसके लिए, उसके उसको पता है ना उसकी बहन के पास पैसा नहीं है। तेरे पता इरादा क्या है यहाँ घूम के, तो क्या क्या जाता क्या करेगी इनसे पागल, बच्चों के लिए है। जो भानु ये कितने क्यूट लग रहे हैं देखिए, आयु भी इतना छोटा नहीं है। वही वो तो है, बड़ा ही हो गया। जब वो इधर ना तो घर जाएगी ना, ऊन लेके आना, मैं तुम्हारे भोपले ऐसे वाले सॉक्स बनाऊंगी, जूते वाले ऐसे। हाँ गुड्डे वाले कान वाले ठीक है, लेके आऊंगी फिर अगली बार उसको ये दूंगी। इसमें भानो इसमें 60 रुपए वाले हैं सभी, बच्चों के अच्छे लग रहे हैं, देख मत बच्चों के कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैंने बहन के इतनी अच्छी स्कर्ट संभाल के रखी थी ना, अपने गुड्डे को गेट वन बाय वन फ्री पहन के कहाँ जाएगी। लेडीज पहनने के लिए सही है। ये कितने के हैं? 73। ऑफ पहले ऊपर से पहले अपना वो देख, बजट देख के जाएंगे हम। क्रीम लेनी है तेरे को, बॉडी लोशन तो लेना। अरे बॉडी लोशन कोई नहीं है, को आज हद हो गई। ऊपर वाले में है या मेरे को लग रहा ऊपर वाले नहीं, को तो कैसा अब देखते फिर वरना ऊपर वाले में बड़े वाले में 218 का हैंड वॉश सही तो बैठ रहे हैं ना, 199 का इसमें लग रखे हैं। फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे बोलती थी 40 रुपये की थी बस, पर ये कितने की होगी? 105। ये भी थे, ये मैं लाई नहीं, उनका हमने खाली बर्बाद कर, वही हम क्या यूज़ करेंगे। तो ये कितने के हैं? बिम्बार का है ये तो, फिर वो है ये वाला। हाँ कितने का है वैसे भी हमारे का है। दो लेना रखिए है तो आ गए हैं हम विशाल से। आप पैदल पैदल चल रहे हैं आगे को, पता नहीं चला तो हम क्वींस पे आ गए। यहाँ का नजारा कुछ इस प्रकार है, क्वींस पे तो हम पहुंच ही गए हैं, अब ज्यादा दूर नहीं है, हमारी मंजिल निकट ही है। और यहाँ से हम पहले शूज देखते हैं। किस काम आएंगे, बड़े सुंदर सुंदर हैं, अलग अलग उसके। आराम से, सॉरी सॉरी सॉरी, जूता सुंदर सुंदर लग रहे पॉट। वही ली हमने गुरपट्टी, और ये भी खा रही है पर ये दिख नहीं रही है, अपने टोपी के पीछे छिप जा रही है। हम पहुंच गए हैं रूम पे और थोड़ा बिस्तर इस्तर लगाते हैं, बहुत ठंड लग गई है। भानो तो सोई नहीं है तो भानो थोड़ी देर आराम कर लेगी, मैं चिपटू बन गई तो मैं भी थोड़ा कुछ करती हूँ, कुछ तो दिखाती हूँ आपको, कुछ मैं व्लॉग देखती हूँ भारती की। तो गाइज अभी बज गए हैं 5 और अभी हमको लग गई भूख, तो मैं भानो जा रहे हैं बाहर कुछ चीज लेने के लिए। मैंने अपने गुल्लक में से सारे पैसे निकाल दिए हैं, देख रहे हो। आज मैंने अपने हाथों में नेल पेंट भी लगा रखे है, कैसे लग रहे हैं मेरे, गरीबी दिख गई है, चिल्लर गिर गए। तो मैं आगे निकल गई है तो मैं भी चलती हूँ, निकलते हैं हम बाहर के मौसम की ओर। देखो इतना सुहाना हो रखा है ना गाइस, इसने मुँह नहीं धो रखा है तो मैं आज इसी को दिखा रही हूँ। तो गाइस अब कल से व्लॉग मेरे टाइम से आए ना आए कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ घर, तो वहाँ व्लॉग कम ही आ पाते हैं मेरे से। भानो क्या ला रखी है मेरे लिए, पर खुद ही खा रही है, एक तेरा एक मेरा। तो अभी हम बनाएंगे मैगी यहाँ पे, हट मैंने एक ही कहा।
ये हमारी बेचारी अबला नारी मैगी बना रही है। कैसे बना रही है आज? तूने अच्छी नहीं बनाई ना, फिर बताऊंगी। आज वो गरम मसाला कहाँ है, वही ढूंढी मैं गरम मसाला। खत्म हो गया क्या सब्जी मसाला? और था क्या? नहीं तो वही था। हाँ लाना पड़ेगा। इतने सुंदर नाखून और अब ये जल गए जैसी मैं अंदर गई। ये काटना पड़ेगा। तो गाइस मैं नाखून काट रही हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मेरा दर्द मेरी पीड़ा। हालांकि अभी सांस का टाइम पे नाखून नहीं काटने चाहिए। क्या होता है भगवान? सॉरी सिप्पी ने मेरी शक्ल बना रखी है। देखा इस यार इतनी अच्छी भी नींद हुई यार, सर मारी है तो मेरे को। क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? ये भानु ने बना रखा है, ये वाला और ये वाला, ये इधर वाला दिप्पी ने बना रखा है। ऐसी दिखती हूँ रे मैं? देखो देखो देखो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। गाइस देखो इसमें ऐसे ही लग रहा है ना, तेरा साथ न छोड़ेंगे। देखो हम तीनों लोग, वो जो तुमने सफेद बना दिया, इनकी शादी हो रही है ऐसा लग रहा है। ना ना अभी तक ना सही करती पागल ऐसे होगी, तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये बाल बन है, ये भानु है, ये बीच में दिप्पी है, ये इधर से मैं हूँ, ये लंबे बाल वाली दिप्पी है। अभी कितना सुंदर लग रहे हैं ना। अब कल से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। देखिए जैसे मैं वीडियो बना, दोनों ने चीटिंग कर दी गाइस। मेरा फ्रॉक देखो नीचे से फटा पहना दिया मेरे को। और ये देखो फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। रुक। तो गाइस दिप्पी चली गई है अपने रूम के लिए, उसको नीचे खाना बनाने थोड़ी हेल्प करने भी जाना है। और मैं भानु ऐसे ही लेट रखे हैं, क्या करें, हो रही है कोचिंग का काम भी हमने किया नहीं है, सब तब पे हो रहा। अभी खाना, वो एक सब्जी क्या बनेंगे यार, हम यही बताएंगे हम आपको क्या बनाएंगे। आज हम चावल बनाएंगे रात को। तो अभी मैं देख रही थी जोशीमठ की न्यूज़, बहुत बुरा लग रहा है, मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। वही वहाँ के लोग कहीं शिफ्ट भी नहीं हो सकते यार, हम ही नहीं हो सकते हैं, कहीं जाएंगे ना पूरे घर की कंडीशन ख़राब, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहते ना वैसे ही हमारी हालत हो जाएगी वहाँ रहने के लिए मजबूर। अब वो भी रहना तो पड़ेगा ना, मजबूरी है, वहाँ भी तो नहीं रह सकते। और बर्फ में भी ऐसी हालत हो रखी है, उनके घर अंदर से भी पूरी दीवार टूट गई है, बहुत बुरा हो रहा। हमने ही अपने घरों को इतनी मेहनत से बना रखा है, हमने देख रखा है हमारे मम्मी पापा कितनी मेहनत, जब हमारा ही घर बना था मेरे मम्मी पापा तो इतने देर रात तक उठे हैं हमारे घर बनने के लिए, जितनी मेहनत लगी है वो हमको पता है। जो उसमें पैसा बोलते हैं, पैसे से ज़्यादा इंसान का खून पसीना लगा होता है, और वही घर ऐसे नीचे को धंसते हुए देखकर तो इंसान वैसे ही मर जाए, फिर तो घर टूटने से क्या ही मरेगा, वो वैसे ही देख के मर जाए जिसमें उनके मम्मी पापा रहे हों, मतलब अम्मा बूबू उसी घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है उन्हें। वो ना अगर वहाँ ऐसा हो गया तो तीर्थ स्थान है यार, वही तीर्थ स्थान होकर के वहाँ के लोग। वो देखा वाली वीडियो जिसमें वो अंकल रो रहे थे, बोले थे मैंने अपने दो बच्चों की शादी इसी से की है, मतलब हाँ रो रहे थे ना बोलते बोलते भी। वही मैं ये बोल रही हूँ, वो लड़की दरार थी उनके अंदर, वो लड़की भी अभी दिखा रही थी ना, उसके बेड के ऊपर से ही पूरे घर इधर उधर दिख रहा है, उन्होंने साड़ी घुसा रखी है उसके बीच में। तो मतलब वहाँ के लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी है, भगवान ना करे ऐसा दिन किसी को भी दिखाए। वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा इतनी ख़राब हो रखी है कि वहाँ के लोग इधर उधर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वो भी क्या कर सकते हैं, अब किसी इंसान के पास इतना पैसा भी होता नहीं, वही तो इतना पैसा भी होता नहीं है कि दूसरी जगह जा करके सीधे घर बना करके बस जाए, पहले तो उन्हें सालों कितने साल लगेंगे घर बनाने के लिए। अभी तो भगवान करे सब सेफ रहे वहाँ, किसी को चोट ना लगे, क्योंकि जैसे घर हो रखे हैं।
गाइस हमने खाना ना खा लिया है और अब हो गया है हमारे सोने का टाइम। जैसा कि आज हम लोगों ने बनाया था चावल, तो जल्दी से चावल तो टाइम से ही बन जाते हैं। तो खाना पीना हो गया है और हम सो जाते हैं और आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मैं जाने वाली हूँ घर को, तो मेरे ब्लॉग थोड़ा लेट भी आ सकते हैं क्योंकि घर पर नेट की दिक्कत है, थोड़ा नेट उतना हो नहीं पाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेट लगता है। तो मैं सबके नेट ख़त्म कर देती हूँ तब भी मेरा व्लॉग नहीं जा पाता है। तो आई होप आप लोग मेरे को मिस करेंगे और मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।